नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के द्वारा महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं एवं विशेषांकों का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो ईश्वर और भक्त में एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। भक्त ईश्वर को पाने के लिए प्रत्येक प्रयास, चाहे वह किसी भी तरह की बाधाएं हो, चाहे किसी भी तरह की अटकलें हो, उनको पार करके ईश्वर को प्राप्त करने की भरसक प्रयास करते रहता है। और इस क्रम में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, बहुत से ऐसे पूजा विधियां या विधान सम्मिलित होते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र भी एक प्रकार की ऐसी ही विधि है जिससे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मार्ग को आप खोज सकते हैं। इसी क्रम में महाराज जी ने इस पर भी एक बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियां, विधान, पूजा आदि बताया गया है कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं उनको कर सकते हैं, बहुत सी विधियां कर सकते हैं। और जहां तक बात आती है मंत्रों की, तो मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतम तौर पर हमारे कई सारे ऐसे भक्त हैं, हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो यह अवश्य पूछते रहते हैं कि उन्हें कौन सा मंत्र करना चाहिए, उन्हें कौन सी विधि करनी चाहिए जिससे महाराज जी या ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। इस पर महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल मार्ग बताया है कि किस प्रकार से आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी सबसे, जो आप यह समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली मंत्र है उस पर जोर देते हैं। वह शक्तिशाली मंत्र महाराज जी ने बताया हुआ है कि पूरी सृष्टि को प्राप्त करने का, पूरी सृष्टि से सहयोग प्राप्त करने का, इस पूरी सृष्टि को गहराई से जानने के लिए महज एक मंत्र है जो वह स्वयं भी किया करते थे, वह श्री राम नाम का जाप। जी हाँ, राम राम महाराज जी सदैव कहा करते थे। और प्रत्येक जो भक्त हैं महाराज जी से जुड़े हुए, वे कहते थे कि आपको किसी भी अन्य मंत्र को करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे जीवन भर भी यदि राम राम नाम का जाप करते हैं तो इस राम राम जाप में ही सारी सृष्टि की अद्भुत शक्तियां, अद्भुत विशालकाय जो स्वरूप हैं सृष्टि के, वे सारे आयाम इस राम राम नाम के जाप में छिपे हुए हैं। क्योंकि महाराज जी स्वयं इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहते थे। महाराज जी को यदि आपने किसी भी छवि चित्र में देखा होगा या बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो इस YouTube पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि जिसमें महाराज जी स्वयं भी राम राम का निरंतर जाप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने भी एक ऐसा वीडियो प्राप्त किया था जिसमें हमने देखा कि एक घंटे तक का महाराज जी का वह राम राम का जाप इतना अद्भुत है जिसमें महाराज जी पूरी तरह से तल्लीन होकर श्री राम जी को याद कर रहे हैं, उन्हें, उनके लिए पूरा चिंतन कर रहे हैं। तो महाराज जी ने भी कई ऐसे भक्तों में, अभी हमने कई ऐसे महाराज जी के भक्तों के साथ संपर्क साधा है जहां से पता चला कि महाराज जी भी सभी भक्तों को, जो भी उनसे मिलने आते थे, सभी भक्तों को राम राम का जाप कहने के लिए करते थे। महाराज जी कहते हैं कि जब आप राम राम का जाप निरंतर करते हैं तो वह राम राम का जाप इस सृष्टि में सम्मिलित हो जाता है, और जब वह सृष्टि में सम्मिलित हो जाता है तो आपके लिए इस पूरे ब्रह्मांड से आशीर्वाद प्राप्त कर आप तक पहुंचाता है, जिससे आपका पूरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब आप राम राम का जाप करते हैं तो आपके अंदर ऐसे आदर्श उत्पन्न होते हैं, ऐसी सनातन मार्गीय आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे आपकी धार्मिक रुचि बढ़ जाती है। और जब किसी व्यक्ति की धार्मिक रुचि बढ़ जाती है तो वह धर्म कर्म के कार्यों में स्वयं एक अंतर मन से अपनी इच्छा प्रकट करता है और धर्म कर्म के कार्यों में सर्वप्रथम आगे होकर सभी कार्यों को स्वयं अपने हाथ में लेकर करता है। और जब आपकी भक्ति मार्ग पर आपका यह जो धार्मिक
जो अनुष्ठान हैं उसमें जब आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं तो आपका पूरा जीवन सनातन मार्गीय होते हुए आपके जीवन को सार्थक करना प्रारंभ कर देता है। और जब आपका जीवन सार्थक हो जाता है तो आप इस समाज में एक सज्जन पुरुष की श्रेणी में आने लग जाते हैं और सदैव आपका नाम जो है वह सूर्य के प्रकाश के प्रकार देखा जाने लगता है। तो यह है इस करुणामयी नाम की महिमा। इसीलिए हमारे सनातन के बहुत से धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, श्री रामायण जी में भी कहा गया है कि राम जो नाम है, श्री राम जी का जो नाम है वह श्री राम जी से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि श्री राम नाम लेने से, श्री राम नाम के प्रयोग से पत्थर भी पानी पर तैर गए। आप जानते ही हैं, श्री रामायण जी में आपने देखा ही है कि कैसे नल नील नाम के जो श्री राम जी की सेना में जो कार्यवाहक हुए हैं, उन्होंने राम राम नाम जो था वह पत्थर पर अंकित करके समुद्र पर एक पुल तैयार कर दिया और वह पुल से पूरी सेना पार होकर श्रीलंका में प्रवेश कर गई। तो उसी प्रकार से ये भव सागर जो है, इस भव सागर से पार करने का भी जो महज जरिया है, या आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार से विधान है, तो वह आप श्री राम जी के नाम को समझ सकते हैं। श्री राम नाम जी के जो नाम रूपी जो वो बांध है उस पर आप चलकर इस भव सागर से पार पा सकते हैं। तो यह थी राम नाम की महिमा का जो गुणगान, और यह जो मैंने आपको सबसे सर्वोत्तम मंत्र बताया है, इसके लिए कोई विधान नहीं है, कोई विधि नहीं है। श्री राम जी के नाम को आप केवल मन से भी चिंतन करते हुए बोलते हैं तो आपका मुख भी पवित्र होता है, आपके जो कान हैं वह भी पवित्र होते हैं, और श्रवण करने से आपको शक्ति और एक धार्मिक प्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। तो यह था आज का विशेषांक, और इस विशेषांक से हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नए आयामों को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप भी अपने जीवन में श्री राम जी के नाम को लेकर आइए। महाराज जी स्वयं इस जाप को करते थे, और महाराज जी जिस जाप को करते थे उससे महाराज जी की आप ख्याति और महाराज जी के जो चमत्कार हैं उससे आपको बताने के लिए, अवगत करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते ही हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में श्री राम नाम का प्रवेश कराइए और अपने जीवन को सार्थक करिए। तो यह था आज का विशेषांक, मिलते हैं आपसे अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।